भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने पिकेट के दौरान एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो अपराध के करीब 30 मामलों में शामिल था। आपको बता दें कि अपराधी कोविड-19 के दौरान जेल से बेल पर आया था, लेकिन बेल पर आने के बाद ही इस अपराध के हौसले और बुलंद रहे, लगातार अपराधों को अंजाम देता रहा। राणा प्रताप रोड आदर्श नगर के पास जहांगीर पुलिस थाना पुलिस ने विकेट लगाई थी, जिस पर तैनात कांस्टेबल मोनू व कांस्टेबल कुलदीप ने एक आरोपी को देखा, रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगा। कुछ दूर पीछा कर आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, साथ में एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। आपको बता दें इस अपराधी पर करीब 30 मामले हैं, आपराधिक शाखाओं में दर्ज है, जिनमें डकैती आर्म्स एक्ट और कई धाराओं के तहत दिल्ली के अलग अलग थानों में मामले दर्ज है। अपराधी बेल पर आने के बाद लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को लंबे अरसे से थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुख्तियार खान 30G ब्लॉक झुग्गी नंबर 366 जहांगीरपुरी के रूप में हुई है। फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि आखिरकार यह किस वारदात को अंजाम देने जा रहा था और जेल से आने के बाद किन किन लोगों के संपर्क में रहा। साथ ही दिल्ली पुलिस आरोपी के बाकी साथियों की भी तलाश में जुटी है।